सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार दे वल्लों जो कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया गया सी कि भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों साढ़े 35 विधायकों नूं 25-25 करोड़ रुपया दे के खरीदण दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं। उस घटनाक्रम दे विच हुण बहुत वड्डा मोड़ आउंदा दिखाई दिंदा है। बहुत वड्डा मोड़ असीं इस करके कह रहे हां क्योंकि पंजाब दी विधानसभा दे सदन दे विच आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगराल दे वल्लों देश के गृह मंत्री अमित शाह अते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम ले दिता गया है। विधानसभा का सदन जिथे कि एक एक गल रिकॉर्ड की जाती है उत्थे आम आदमी पार्टी के विधायक दे वल्लों सारा इल्जाम अमित शाह अते अनुराग ठाकुर से सुट दिता गया है कि जिन्हां दलालों ने मैनू फोन किया सी उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर अते अमित शाह दे नाल तुहाडियां मीटिंगां करवाई जाणगियां। हुण यह मसला बहुत ज्यादा सीरीयस हुंदा दिखाई दिंदा है। सब तो पहला तुहानूं विधानसभा दे विच बोले गए शीतल अंगराल दे शब्द सुना दिंदे आ। उहनां दे विच इक बहुत वड्डा कलाम अज तुसीं बोलोगे उहनां नूं बोलण दिओ। जिहड़ा मेरे कोल स्टिंग है उहदे विच दूसरे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार दा अनुराग ठाकुर दा जिक्र विच कीता जांदा है। उह कहिंदे अनुराग ठाकुर जी दे नाल बाबू अमित भाई शाह तू एक दिन पहले तुहानू अनुराग ठाकुर ना बताया जाएगा तुहानू 25-25 करोड़ रुपया मंत्री बनाने की ऑफर जिहड़ी है वह अनुराग ठाकुर जिहड़ा कैबिनेट मंत्री भारत सरकार दा है वह डील पूरी करेगा। हुण जदों आम आदमी पार्टी दे वल्लों विधानसभा दे सदन दे विच ही देश दे गृह मंत्री दा नाम लै दिता गया है तां फिर कांग्रेस पार्टी चुप किवें रह सकती है। विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों आम आदमी पार्टी दी माण सरकार नूं ओपन चैलेंज कर दिता गया है कि जेकर हुण तुसीं इन्हां दोनां नूं दोषी कह ही दिता है ओह वी विधानसभा दे विच तां इन्हां ते कारवाई करके दिखाओ। सिद्धा चैलेंज बाजवा दे वल्लों माण सरकार नूं कर दिता गया है। फिर कोई करन एक्शन उन्होंने ना उन्होंने ले लेने जिन्हें जेडे इन्हों की पहुंच तो बहर ने। देखो गल इस तरह इन्हों से जान है हो अमित शाह लो एक्शन आओ वेखिए किन्ने भलवान ने किन्ने जोगे है ने। इन्हों को ए करो साडा ओपन इन्हों चैलेंज है आप नी अपनी विजिलेंस या पुलिस खिला के होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर के घर के बहर घटते घट एक कागज ही ला के आ जाओ कि ही इज वॉन्टेड इन पंजाब या अनुराग ठाकुर दे लवाओ जेल लवा जान ते असीं वड्डी तो वड्डी कीमत देण नूं तैयार। आओ वेखीए ना दम किन्ना फर्जी गल्लां फर्जी बातां कि आ वेखो सारे नूं वड्डी इहदे विच कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन। इहदे च असीं पहला सवाल मेरा की सी कि हरपाल चीमा 35 बंदे दस रहा केजरीवाल साहब 10-10 रहे ने भगवंत मान 6-7 दस रहे। असीं कहा सी घट तो घट केजरीवाल साहब नाल बह के 9 बजे सवेरे जो झूठ बोलना हुंदा सारा परिवार बह के सलाह तो कर लिया करो अज नंबर किन्ना दईए। असीं ये साडी डिमांड कांग्रेस दी ये है कि इन्हां दे अगेंस्ट एक्शन करके विखाओ। इन्हां दे जिन्हां दा नां लिया अमित शाह जी दा नां लिया ते उहदा अनुराग ठाकुर उहनां दा नां लिया होम मिनिस्टर दे खिलाफ ते उह जिहड़ा अनुराग ठाकुर है उहनां ते करो कार्रवाई कोई वारंट वरुंट कढो उहनां दे। विधानसभा दे विच ए बयान देन तो इलावा मीडिया दे सामने भी एक बयान शीतल अंगराल दे वल्लों दिता गया सी अते इस बयान दे विच तां उन्होंने एक स्टिंग दा जिक्र भी कर दिता। उन्होंने कहा कि मैनू सद्या भी गया इस सारा सौदा पक्का करन दे लई मैनू बुलाया भी गया सी अते मैं ए स्टिंग बना लिया अते ए स्टिंग मैं विजिलेंस दे हवाले कर दिता है। शीतल अंगराल दा ओ बयान भी तुहानू सुनाउणा बहुत जरूरी है। खुलासा मैं कर तो रहा हूं कि जो FIR बदौड़ ने थी आज वो वाई नेम हो जाएगी आपके पब्लिक में वो पुलिस खुद करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक आप स्टिंग उन तीनों की मेरे पास रिकॉर्डिंग का स्टिंग मैंने तीनों का 10 मिनट कुछ सेकंड का स्टिंग है मेरे पास जो मैंने आज विजिलेंस ऑफिस में बिल्कुल मीटिंग के लिए मैं गया सी यूटी गेस्ट हाउस से बाहर तो जो लेक के बाद जो पार्किंग है वहाँ पर मैंने उन्हें बुलाया था उन्होंने मेरे को और गाड़ी में स्टिंग किया मैंने उनका। इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी हुण ऑपरेशन लोटस दे मसले ते होर भी अग्गे वधदी दिखाई दिंदी है क्योंकि पहला आम आदमी पार्टी दे लीडरां दे वल्लों वक्खो वक्खरे बयान दिते जा रहे सन जिवें कि हरपाल सिंह चीमा ने कहा सी कि साढ़े 35 विधायकों नूं खरीदण की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सी 10 विधायकों नूं अते भगवंत मान ने कहा सी कि साढ़े 6-7 विधायकों नूं खरीदण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। उदों जाप रिहा सी कि इह नॉन सीरीयस गल है
है इन्नी गंभीरता दे नाल आम आदमी पार्टी इस नूं नहीं लै रही है। उस तो बाद सैशन सदन की कोशिश की गई सी, गवर्नर ने गैर कानूनी कह के उस नूं रद्द कर दिता। उस तो बाद असिधे तरीके नाल सैशन सद लिया ऑपरेशन लोटस से चर्चा करन दे लई आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों अते हुण विरोधी पार्टियां दे वल्लों जदों वॉकआउट कर दिता गया तां खाली मैदान दे विच रज के रीझां लाईआं आम आदमी पार्टी दे विधायकां ने अते वारी वारी सारिआं ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, सानू खरीदण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने पर असी बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदे हाँ, सानू खरीदिआ नहीं जा सकदा क्योंकि कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े विधायक हुंदे ने उह तां विक जांदे ने पर आम आदमी पार्टी वाले नहीं विकदे, इस करके भारतीय जनता पार्टी हुण साडे तों डर रही है। गुजरात दे विच साडी सरकार बन रही है, हिमाचल दे विच साडी सरकार बन रही है, असी कदे भी नहीं विकांगे, कदे भी नहीं चुकांगे क्योंकि असी सब तो ज़्यादा कट्टर ईमानदार हाँ। विधानसभा दे विच लगातार सारे विधायकों के वलों ज्यों ज्यों बोलन का समा मिलिया सारे ही विधायकों के वलों लगभग यही गल्लां कहीं गई, सारी विरोधी धिर बाहर अते अंदर आम आदमी पार्टी के वलों रज के ऑपरेशन लोटस दीआं गल्लां कीतीआं गईआं। विरोधी धिर तो पुछिआ गया तुसीं बाहर क्यों आ गए, अंदर बैठ के चर्चा करदे। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा कहिंदे ने साडे नाल वादा कीता गया सी कि ऑपरेशन लोटस ते चर्चा तो पहलां जीरो आवर दिता जाएगा जिस दे विच पंजाब दे लोकां दे मुद्दे चुके जा सकते ने, पर बाद दे विच कुलतार सिंह संधवा जिहड़े कि पंजाब दी विधानसभा दे स्पीकर ने वह मुकर गए। उस तो बाद सीधा ही उन्होंने ऑपरेशन लोटस ही शुरू कर दिता। पहला अद्धा घंटा भगवंत मान बोले, उस तो बाद 15-20 मिनट अमन अरोड़ा बोले, सानू बोलन का मौका नहीं दिता गया जदों असी कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था का हाल तो वेखो, दीपक टीनू भज चुका है, रजिंद्रा हस्पताल तो एक नशा तस्कर भज गया है हिरासत विचों, वह भी फरार हो गया है, गुरदासपुर दे विच एक मुलजम थानेदार दे कोलों राइफल खो के भज गया है। पंजाब के हालात इन्ने ज़्यादा खराब ने, असीं तां उन्हां मुद्दिआं ते गल करना चाहुंदे सां, रेता इन्ना महंगा मिल रहा है, लोकां दे विच हाहाकार मची हुई है, असीं पहलां लोकां दे मुद्दिआं ते गल करना चाहुंदे सां, उस तो बाद ऑपरेशन लोटस ते भी जरूर आउंदे, पर स्पीकर दे वल्लों अपना वादा नहीं पुगाया गया, इस करके सानूं बाहर आउणा पिया है। पर हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों सीधे तौर ते देश दे गृह मंत्री अमित शाह ते वार कर दिता गया है। एक सवाल इतने असं तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहते हैं कि की हुण तुहानू लगता है कि मान सरकार दे वल्लों देश दे गृह मंत्री अमित शाह ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कि उन्हां ते परचा दर्ज करके अमित शाह नू DGP दे वल्लों पंजाब दी पुलिस दे वल्लों गिरफ़्तार किया जा सकता है, तुहानू की लगता है? जो भी तुहानू लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नू निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तां YouTube ते द पंजाब TV दे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, Facebook ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब TV, हर खबर दा सच।